@9 काविंद्र चौहान के साथ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपके सामने लेकर आपका पसंदीदा शो भारत @9। दर्शकों, यहां पर जो बात होती है इस कार्यक्रम में वो वही बात होती है जो आप तय करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को मिर्ची लगना बड़ी ही संभावित सी बात है। कल मैंने कार्यक्रम किया था लैंड जिहाद के ऊपर, उस पर मैंने कहा था कि टिहरी डैम पर इस तरीके से अवैध कोई भी धार्मिक स्थल आप बनाएंगे वो गलत है। कुछ लोगों को मिर्ची लग गई, तमाम लोगों ने प्रतिक्रिया दी, बोला नहीं भाई मिर्ची क्यों लगती है, मिर्ची तब लगती है जब कुछ गलत हो। दर्शकों, आज एक बार फिर एक कार्यक्रम, एक और चर्चा, एक और मुद्दा, लेकिन कहीं ना कहीं कल के मुद्दे और आज के मुद्दे में एक समानांतर दृष्टि दिखती है। दर्शकों, कानपुर से एक वीडियो सामने आया, हालांकि इस वीडियो की पुष्टि स्वतांत्रिक तौर पर हम नहीं करते हैं, लेकिन यह वीडियो जो है बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और आपको सोचकर आप 2 मिनट के लिए चिंता में पड़ जाएंगे कि क्या हो कि सरकार के ही लोग, क्या हो कि ब्यूरोक्रेसी के ही लोग धर्मांतरण का धंधा चलाते हैं, क्या हो कि सरकारी आवासों पर अब धर्म के धंधेबाज आकर बैठ जाए, क्या हो कि अगर आईएएस अफसर, जी हां आईएएस अफसर अब धर्म के धंधेबाजों की टीम में शामिल हो जाए। दर्शकों, कैसा लगेगा, ये कैसा डर और भय का माहौल होगा, ये कैसा डर और भय का माहौल होगा दर्शकों, कि जब आपको ये बताया जाए कि एक आईएएस रैंक का अधिकारी यहां पर अपने आवास में, सरकारी आवास में धंधेबाजी का काम कर रहा है, धर्म का धंधा कर रहा है, धर्मांतरण की एक पूरी टीम चला रहा है जो उत्तर प्रदेश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है, कैसा लगेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि यह सच है। दर्शकों, कानपुर का एक वीडियो है जहां पर एक आईएएस अफसर बैठकर बकायदा धंधेबाजों की एक टीम तैयार कर रहा है, कह रहा है कि हमारे पास सब कुछ है, हम बदल देंगे, इस्लाम धर्म लाना है, इस्लाम धर्म को अपनाना है, अब सबको इस्लाम कर देना है, सबका इस्लामीकरण कर देना है। दर्शकों, यह बहुत गंभीर मसला है, बहुत गंभीर मसला है, बहुत गंभीर बात है। अभी तक तो हम लोग देखते थे कि किस तरीके से कुछ लोग पैसों के लालच में, डर और भय में इस तरीके के काम करते थे, धंधेबाजों की टीम में शामिल होते थे, लेकिन आज एक आईएएस रैंक का अधिकारी जो ब्यूरोक्रेसी में एक ताकत रखता है, जो कल तक एक जगह का डीएम हुआ करता था, आज यूपीएसआरटीसी में एक बड़ा अधिकारी है, वो इस तरीके की शिक्षा दे रहा है, वो धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दे रहा है। और दर्शकों, क्यों ना, मैं सवाल करता हूं, क्यों ना जो आम लोग हैं, जो ऐसी सोच रखते हैं, ऐसी मानसिकता रखते हैं, जिनके लिए देश से बढ़कर धर्म है, जो पूरी दुनिया का इस्लामीकरण करना चाहते हैं, उन लोगों को बल मिलता है, उन लोगों को बढ़ावा मिलता है। दर्शकों, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अब इसकी जांच होगी और जो दोषी है, जिसका वीडियो है, उस पर सख्त कार्रवाई होगी, प्रशासन की तरफ से भी जांच के आदेश दिए गए हैं, यह सब ठीक है, प्रक्रिया है, कोई गड़बड़ है तो उसकी जांच होगी, ठीक है, लेकिन मामला कितना गंभीर है। उत्तर प्रदेश के ऐसे शहरों में, ऐसे शहरों के अंदर ये लोग धीरे धीरे बस चुके हैं और धर्म परिवर्तन का धंधा जोर शोर से चला है, इनसे हमको चौकन्ना रहने की जरूरत है। क्या कुछ है पूरा मामला, क्या कुछ है पूरी खबर, आप उसके लिए पहले इस रिपोर्ट को देख लीजिए। कानपुर में मंडलायुक्त रहे सीनियर आईएएस इफ्तिखारुद्दीन का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आईएएस अधिकारी का वीडियो वायरल होने के बाद से ही शासन और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस कमिश्नर आसिम अरुण ने वायरल वीडियो की जांच डीसीपी ईस्ट सोमेंद्र मीणा को सौंपी है। पुलिस इस बात की जांच करेगी कि आईएएस अधिकारी के वीडियो में
कोई अपराध प्रदर्शित हो रहा है या नहीं। वही मामले का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एसआईटी को जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन का धर्मांतरण गैंग से कनेक्शन सामने आते दिख रहा है, क्योंकि उनके सरकारी आवास पर उन्हीं की मौजूदगी में धर्म परिवर्तन को लेके तकरीरें दी जा रही हैं। तकरीरों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलान करो, बताओ पूरे दुनिया के इंसानों, या युहन नास, ऐ कुल के कुल इंसानों, नास इंसान का बहुवचन, इंसान का जमात है ना, इंसान के माने एक इंसान, और जब नास लफ्ज इस्तेमाल होता है इस्तेमाल में इसके माने कुल के कुल इंसान। तो टेल मैनकाइंड, टेल द मैनकाइंड दैट ओ मैनकाइंड, आई एम द रसूल ऑफ अल्लाह टू यू ऑल, total jamia in total, not a single has been spared. Tum sab ke liye main Allah ka rasool hoon, aap to koi rasool nahi hai, nabi hai to koi nabi nahi hai, khatam al nabi is the seed of all prophets, then kaun karega daawat ki karta hai na, जो इस उम्मत में जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नतीजे पर चलता है, फर्ज इस काम को करे, उनके मिशन को आगे बढ़ाए। उन्होंने जजीरे नुमाए अरब, अरब के खत्ते पर अल्लाह का किंगडम कायम कर दिया। अल्लाह का किंगडम, अल्लाह की बादशाह है ना, अल्लाह के हाथ में है, कायम कर कहाँ कायम, पूरी जमीन पे नहीं, पूरी जमीन पे नहीं कायम अरब में, लेकिन अभी तो अल्लाह के दूर का एक माम होना है, अल्लाह के दूर का एक माम होना है, यानी पूरी जमीन पर अल्लाह के दूर का एक माम होना है ना, हर कच्चे पर पक्के अल्लाह का दीन दाखिल होना है, अल्लाह का निज़ाम दाखिल होना है, तो कैसे होगा? यहाँ पर इंसान बैठे काम करना चाहिए, इनको ये काम करना चाहिए, नहीं करेंगे तो अल्लाह इनको जरूर पकड़ेगा, ना इनको जरूर पकड़ेगा। आपको बता दें, मौजूदा समय में इफ्तिखारुद्दीन परिवहन निगम में चेयरमैन हैं। आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन का वायरल वीडियो कानपुर स्थित सरकारी आवास का बताया जा रहा है। यह वीडियो उस वक्त का बताया जा रहा है जिस वक्त इफ्तिखारुद्दीन कानपुर के मंडलायुक्त थे। इफ्तिखारुद्दीन वर्तमान में यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम के चेयरमैन के पद पर तैनात हैं। फिलहाल पुलिस और एसआईटी ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद यूपी में सियासत गर्म है। वहीं सीनियर आईएएस अधिकारी के वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह एक समुदाय विशेष के लोगों के साथ कट्टरपंथ की पाठशाला लगाई जा रही है और आईएएस अधिकारी किस तरह से तीखे अल्फाजों से सामने बैठे लोगों पर ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं। इस मामले की शिकायत दो दिन पहले ही मठ मंदिर समन्वय समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भूपेश अवस्थी ने मुख्यमंत्री योगी से शिकायत की थी। अपनी शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि वरिष्ठ आईएएस सनातन धर्म के विरुद्ध प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। एक वायरल वीडियो मेरे संज्ञान में आया जिसमें एक व्यक्ति अपने आवास पर कुछ हिंदू और सनातन धर्म के विपरीत अपनी बात कह रहा है, अनर्गल टिप्पणी कर रहा है, और उसके साथ ही साथ वो इस्लाम के बारे में लोगों को धर्म परिवर्तन करने और धर्मांतरण की बात कर रहा है। उसको गहराई से देखने पर पता चला कि वो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर इफ्तिखारुद्दीन जो कानपुर में मंडलायुक्त थे और विभिन्न पदों पर प्रशासनिक पदों पर रह चुके हैं, उद्योग निदेशक भी थे वो, उनके द्वारा ये वीडियो बनाया गया है, उनका वीडियो है वो, और किसी आईएएस अधिकारी को इस तरह से राजकीय आचरण के विपरीत इस तरह का कार्य करना ये राजकीय आचरण के विपरीत है,
और ऐसे कार्य करने वाले अधिकारी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकता है। मेरे संज्ञान में आते ही हमने माननीय मुख्यमंत्री को उस संबंध में पत्र लिखा और उनसे इस वीडियो की पुष्टि कराने और उस पर जांच कराने की मांग की गई है। अगर वीडियो उनके द्वारा उन्हीं का वीडियो है, इफ्तिखारुद्दीन का ही वीडियो है, तो निश्चित तौर पर ये अपराध है और इस अपराध की संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप उनको दंड मिलना चाहिए। और इस तरह के कार्य और लोग ना करें, इस तरह की सजा उनको निश्चित रूप से मिलनी चाहिए ताकि इस तरह के मामले में बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने भी आईएएस पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है विधायक सुरेंद्र मैथानी ने, आपको वो भी सुनना चाहिए। देखिए, मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन कानपुर के मंडल के कमिश्नर रहे हैं। मैं तब भारतीय जनता पार्टी का कानपुर महानगर का अध्यक्ष था और ये कमिश्नर थे। लगातार इनकी गतिविधियां प्रताड़ित करने वाली और ये इस बात का दावा करते थे कि ये उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के बहुत खास हैं और इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लगातार हम लोग सड़कों पर इनसे संघर्ष करते थे लेकिन ये बिल्कुल सुनते नहीं थे। और इस प्रकार का वीडियो आना, निश्चित रूप से जांच के बाद सारे तथ्य सामने आ जाएंगे, लेकिन ये बड़ा खतरनाक और समाज को शर्मसार करने वाला है। ये हिंदू मुस्लिम को बांटने वाला है और इस प्रकार का कृत्य अगर एक सीनियर आईएएस करे तो उन आईएएसों के लिए जो बहुत ईमानदारी से काम करना चाहते हैं और जो नौजवान आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं उनके मनोबल को गिराने का भी ये काम करता है। और ये घटना को अगर हम उस परिप्रेक्ष्य में भी जोड़ें जिस प्रकार से 9/11 की घटना अमेरिका में हुई थी, इसी प्रकार के एक पढ़े लिखे लड़के ने और वहाँ हेलीकॉप्टर और जहाज को भेड़ करके और बड़ी घटना को अंजाम दिया था, तो ऐसा सीनियर आईएएस अधिकारी इस प्रकार का कृत्य करे तो निश्चित रूप से जांच के बाद जो तथ्य आएंगे कानून अपना काम करेगा और इनको सजा मिलेगी। सारे तथ्यों के आने के बाद ये निश्चित रूप से बच नहीं पाएंगे क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार का कृत्य और जिस प्रकार का वीडियो वायरल हो रहा है जिसको लाखों लोगों ने देखा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, घृणित है और इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए और इनको निश्चित रूप से उसकी पर्याप्त सजा भी कानून देगा, ऐसा हमें भरोसा है। वहीं मामले में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कानपुर और उन्नाव दौरे के समय उन्हें कुछ लोगों ने इस प्रकरण से अवगत कराया था। उप मुख्यमंत्री का कहना है कि यह एक गंभीर मामला है और इस मामले की जांच में जो भी दोषी निकल कर सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब पुलिस जांच में इस बात का पता लगाया जाएगा कि वायरल वीडियो में कोई अपराध प्रदर्शित हो रहा है या नहीं, सीनियर अधिकारी की तरफ से किसी प्रकार के नियम का उल्लंघन किया जा रहा है या नहीं। वही SIT भी 7 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रशासन के सामने पेश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो दर्शकों, ये धर्म के धंधेबाजी की पूरी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को आपने देखा और देखिए किस तरीके से एक सरकारी आवास एक IAS रैंक ऑफिसर कह रहा है कि इस्लाम अपनाइए, सब इस्लामीकरण कर दीजिए, तो फिर वो लोग गलत कैसे बोलते हैं जो लोग कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग आ गए हैं, जो लोग कहते हैं कि UPSC जिहाद है, हो रहा है, लैंड जिहाद है, हो रहा है, लव जिहाद है, हो रहा है, क्योंकि हमारे पास ऐसी घटनाएं आती हैं, ऐसी खबरें आती हैं, ऐसे सबूत भी आते हैं। तो दर्शकों, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है और ये जो कुछ है इस पर सोचने के विचार करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये लोग इसी तरीके से इसी तरह से इन कामों को करते रहेंगे, इसी तरह से ये लोग लैंड जिहाद करेंगे, ये लोग लव जिहाद करेंगे, ये लोग इस्लामीकरण की अपनी जो सोच है, अपनी जो मानसिकता है, जो मंशा है, उसको बढ़ाते रहेंगे और हम लोग सिर्फ ये कहकर शांत हो जाएंगे कि नहीं, इनको करने दीजिए, क्यों इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं, इनको करने दीजिए, क्यों सेक्युलर का जो ढांचा है उसको आप तोड़ रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? ये सवाल है और गंभीर सवाल है। इसके पीछे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई राजनीति की जरूरत नहीं। ये सीधी स्पष्ट बात है कि ये देश का जो पूरा सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, सेक्युलर स्ट्रक्चर, उसको तोड़ रहा है। ये सूडो सेक्युलर वाला जो स्ट्रक्चर है उसके नाते आप चुप कब तक रहेंगे, भला क्यों रहेंगे? इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कानपुर से जुड़ गए हैं आशीष। आवाज मिल रही है आशीष मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी आशीष, मैं बड़ा आज परेशान हूं इस घटना को लेकर कि अभी तक तो हम देखते थे कि जो धर्म के धंधेबाज हैं, या आम कोई भी आ जाता था उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था,
पकड़े जाते थे कि ठीक है ये फलानी मदरसा में एक मौलवी था, ऐसे था वैसे था। ये पहली दफा मैं देख रहा हूं उस तरीके से कि एक आईएएस रैंक का अधिकारी जो आज यूपीएसआरटीसी में इतनी अच्छे रैंक पर एक अधिकारी लेवल पर पदस्थ है और वो इस तरीके से अपने घर पर ये जिहाद की पाठशाला चला रहा है। ये क्या कुछ हो रहा है कानपुर में? ये बिल्कुल देखिए, कानपुर का नाम इसी मामले से लेकर नहीं बल्कि पुलिस के मामलों में भी अब तक निकल कर आता रहा है। लेकिन जिस तरह से एक आईएएस के घर में एक जिहाद की पाठशाला चल रही थी, कट्टरता की पाठशाला चल रही थी, धर्म परिवर्तन की पाठशाला चल रही थी, इस तरह का वीडियो निकल कर आना अपने आप में एक बड़ा सवाल प्रश्नचिन्ह लगाता है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है ये वीडियो जो है ये 2014 से 2017 के बीच का है, जिस समय एक फखरुद्दीन जो है कानपुर के मंडला युक्त, यानी एक सीनियर आईएएस कानपुर के सबसे बड़े पदस्थ सीट पर बैठे हुए थे, उनके बंगले का ये वीडियो बताया जा रहा है। जी सवेल, अच्छा आशीष, अभी क्या कुछ कार्रवाई का कुछ क्या सिलसिला है, क्या कुछ आपको लग रहा है, क्या अपडेट क्या आ रहा है वहां से? बिल्कुल देखिए कविंद, जिस तरह से ये वीडियो निकल कर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तेजी से इस वीडियो का फैलना शुरू हुआ, उसके बाद से जो है तत्काल इसमें शासन की तरफ से एसआईटी गठित कर दी। कानपुर के कमिश्नर जो पुलिस कमिश्नर है असीम अरुण, उन्होंने इस वीडियो का तत्काल ही संज्ञान लिया था और उन्होंने इसके लिए पुलिस की कमेटी गठित की थी, जिसमें कहा था कि वो इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन आज जैसे ही वीडियो और तेजी से वायरल हुआ, इस पूरे मामले पर जो है सीधे शासन से संज्ञान लिया गया और शासन की तरफ से एक एसआईटी टीम गठित की गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी और एक सप्ताह के अंदर शासन को पूरी रिपोर्ट सौंपेगी। जी बिल्कुल, देखिए आज आशीष क्या हुआ, जब ये कार्यक्रम की जब संरचना की जा रही थी तो टीम बार बार कह रही थी कि इसमें बीजेपी को ले लीजिए, इसमें सपा को ले लीजिए, किसी को लीजिए, उनसे बातचीत करिए। मैंने मना कर दिया, इसलिए मना किया कि इसमें राजनीति की कोई जरूरत नहीं है, इसमें आप वहां पर हैं, आप कानपुर से हैं, इसको बेहतर ढंग से बताएंगे, इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ आशीष को जोड़िए। आशीष, क्या कानपुर में ऐसी कौन सी हवा बह रही है कि कानपुर में पूरा प्रशासन जो है एक दिन छोड़ के दूसरे दिन, तीसरा दिन छोड़ के चौथे दिन, पांचवा दिन छोड़ के छठे दिन, हफ्ते में तीन दिन सवालों से घिरा रहता है? पुलिस कार्रवाइयों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, आए दिन पुलिस कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करती है, चाहे किसी भी तरह की हो, पुलिस तो पूरे गुंडा स्वरूप में है वहां, पता नहीं कौन क्या है, क्या व्यवस्था में वहां पर कमी है, और जबकि ये सब कुछ कहां हो रहा है? आशीष, अगर ये सब कुछ, मेरी बड़ी ध्यान से आशीष हम लोग की जो वार्ता चल रही है ध्यान से समझिए, अगर ये सब कुछ मैं कह रहा हूं कि किसी फरखाबाद में हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि महाराजगंज में हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि ये सब कुछ कहां हो रहा है, सहारनपुर में हो रहा है, तब तो चलो समझ में आती, लेकिन जहां मुख्यमंत्री बैठे हैं उससे 80 किलोमीटर दूर अगर मैं आ जाऊं, 80 भी क्या छोड़िए, 70, 65, 70 के पास अगर निकल जाऊं तो कानपुर लग जाता है, और कानपुर में ये सब, एक अधिकारी वहां पर बैठकर पाठशाला चला चुका है, पता नहीं कितने लोगों का धर्म परिवर्तन मानसिकता, क्योंकि आशीष जब आम आदमी धर्म परिवर्तन की क्लास चलाता है तो समझ में आता है कि ठीक है ये जिहादी मानसिकता का, जिहादी सोच का है, लेकिन एक आईएएस रैंक का अधिकारी अगर इस तरीके की पाठशाला अपने आवास में चला रहा है तो ऐसे लोगों को तो कितना बल मिला होगा, कितनी उनको ताकत मिली होगी कि ठीक है हम तो सरकार के भीतर घुस के धर्म परिवर्तन करा के मानेंगे। तो कानपुर में ये सब कैसे हो जा रहा है, कानपुर में सिस्टम जो है इतना लाचार, इतना बेबस सा क्यों नजर आ रहा है इन लोगों के सामने, जो भ्रष्टाचार की मूरत है, जो धर्मांतरण की ये पूरी क्लास चला रहे हैं, जो हर गैर कानूनी काम कर रहे हैं। जी आशीष जी, कविंद देखिए, कानपुर एक ऐसा शहर है जो क्योंकि लखनऊ से मात्र 80 किलोमीटर दूरी पर है। सबसे खास बात यह है कि जब से कानपुर में जब से योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से कानपुर को जो है एक डिप्टी सीएम पद का जो है प्रभारी मंत्री भी दिया गया, जो स्वयं केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में है, यानी प्रभारी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य है, और उस शहर के अंदर इस तरह के हालात बने हुए हैं कि कानपुर का रोज नाम जो है हर दूसरे से तीसरे दिन जो है हाईलाइट पे होता है। यानी कानपुर जो एक शहर है वो अपने आप में एक विशेष जो है महत्व रखता है, काफी राजनीतिक राजनीति से भी काफी प्रेरित रहा है शहर, व्यापार के तौर पर काफी प्रेरित रहा है, लेकिन कानपुर में इस तरह की चीजें निकल कर आना एक अपने आप में जो हैरान करने वाली बात है, चाहे वो पुलिस का सिस्टम हो या प्रशासनिक व्यवस्था हो, हर तरफ से जो है पुलिस, हर तरफ से जो है टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ कानपुर आ रहा है। जी आशीष, ये तस्वीरें जैसे देखिए, अभी वीडियो हम लोग देख रहे थे, अभी चल भी रही है स्क्रीन पे लगातार, ये तस्वीरें विचलित करती है कि किस तरीके से कानपुर की प्रशंसा होती थी कि फैक्ट्री है, चमड़ा बनता है, लोग इतना उद्योग में, व्यापार में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कानपुर में, एजुकेशन हब है वहां पर, इंजीनियर बन रहा है लड़का, सब कुछ चल रहा है वहां, बढ़िया है, लेकिन ये सब
जो अंदर खाने में चल रहा है, चमनगंज से तस्वीरें आ रही हैं, इधर से आ रही हैं, उधर से आ रही हैं, पुलिस रंगदारी वसूल रही है, ये कानपुर में जो कुछ हो चुका है इसके पीछे आप वहां स्थानीय लेवल पर रहते हैं, आप स्थानीय पत्रकार हैं वहां से, ये बताइए आशीष, वहां पर ये कानपुर में कौन सी हवा बहने लगी, कौन सी नए बयार आ गई जो कानपुर को इतना ज्यादा दूषित कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए कानपुर एक ऐसा शहर रहा है जो अपने आप में एक विशेष शहर का महत्व जिसको दर्जा मिला हुआ था, लेकिन कानपुर शहर में जिस तरह पिछले कुछ समय से जो है इस तरह की जो है कवायदे होती चली आ रही कि एक आईएएस धर्म की पाठशाला चला रहा है, पुलिस जो है वो अपने आप में मस्त है, जिसे हम अदर वे में कहें तो अपने आप में बिल्कुल त्रस्त, जनता उससे त्रस्त नजर आ रही है। आए दिन विधायकों की गाली गलौज सामने निकल कर आती, जो जनप्रतिनिधि है वो अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, कहीं पुलिस से भिड़ जाते हैं, यानी साफ तौर पर कहा जाए कि कानपुर की छवि जो है वो जो है मेन पटल पर एक तरह से धूमिल करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, और कानपुर की जो जनता है वो इन सब चीजों को साफ तौर पर देख भी रही है, समझ भी रही है कि किस किस तरह से आखिरकार कानपुर को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश की जा रही है। जी अच्छा, आपने विवादों का जिक्र किया तो एक आपके विधायक है कानपुर से इरफान सोलंकी जी, उन्होंने भी कुछ ना कुछ कहा होगा, क्या कहा है उन्होंने इस पर? बिल्कुल, देखिए इरफान सोलंकी से इस पूरे मामले पर बात की गई है, इरफान सोलंकी से पूरे मामले फोन पे भी चर्चा की गई, लेकिन इरफान सोलंकी का साफ तौर पर कहना है कि ये वायरल वीडियो है, वीडियो की सत्यता जानी जाएगी और उस पर जो है अब आगे जांच होगी, क्या निकल कर आता है क्या नहीं निकल कर आता है, ये सारी चीजें बात की बात है, यानी साफ तौर पर कहा जाए कि एक कम्युनिटी जो है वो पूरी तरीके से जो है इफ्तकारुद्दीन के पक्ष में है। और खास बात ये कि जिस समय 2014 का मामला 2014 से 2017 के बीच में, यानी सपा के कार्यकाल से लेकर योगी के कार्यकाल तक ये इफ्तकारुद्दीन कानपुर में कमिश्नर थे, और उसी दौरान जो है जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं यानी जो कर्मचारी हैं कमिश्नरेट के, उनका साफ तौर पर कहना कि हाँ इस तरह की गतिविधियां वहाँ पर लगातार होती रही हैं और पहले भी होती आ रही थी, यानी जब जब कमिश्नर वो थे उस समय इस तरह की गतिविधियां निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन सबसे सर्वोच्च पद पर वो बैठे हुए थे कानपुर के, इसलिए किसी ने बोलने की हिमाकत नहीं की है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, ये वीडियो कहीं बाहर से नहीं आया है, बल्कि जो उनके करीबी कर्मचारी उस समय तैनात थे उन्होंने ही पूरा वीडियो शूट किया हुआ था, उन्हीं के थ्रू से ये वीडियो निकलकर सामने आया है। जी कालेन नहीं जी, बिल्कुल ठीक है। तो ये आशीष एक और चीज है कि इरफान सोलंकी साहब ने जैसे कि कहा कि ये वीडियो की सत्यता की जांच होनी चाहिए, इसको परखा जाना चाहिए, उनसे अगर दोबारा मुलाकात करिएगा तो उनसे एक बात कहिएगा कि कोई भी दुनिया की फर्जी कोई भी वीडियो आ जाए जिसमें दो लड़के लड़ रहे हों, एक मुसलमान हो तो तुरंत ठप्पा ठोक के उसे कह देते हैं कि लीजिए सर्टिफिकेशन, ये लिंचिंग हो गई, तो उनसे कहिएगा कि सत्यता के जो पैमाने हैं अपने वो जरा बदलिए, चश्मा जरा उतारिए और फेंकिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका हमको तमाम जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों ये जो वीडियो है ये महज एक वीडियो नहीं, इसको वायरल वीडियो का नाम दे दीजिए आप, इसको कुछ भी कह दीजिए कि धर्मांतरण का ये पूरा जो मसौदा तैयार है, ये जो क्लास चल रही है, इसको आप आसान नजरों से देख सकते हैं, लेकिन मैं इसको बड़ी परेशानी के साथ देख रहा हूं, क्योंकि ये तस्वीरें चौंकाती हैं, विचलित करती हैं, डर भय मन में पैदा करती है कि अब अधिकारी बैठकर धर्मांतरण करवाएंगे तो काहे पर्चा, ये पर्चा नकद छाप के, ये न्याय की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया धर्मांतरण के खिलाफ कानून, ये सब क्या है? ड्रामा नहीं तो क्या है? ये सब नौटंकी है। आपका अधिकारी बैठकर अपने सरकारी आवास में बैठकर लोगों से कह रहे हैं ये लीजिए, ये पकड़िए, इस्लाम की क्लास, इस्लाम नंबर 1 बन जाइए, और वहां पर बैठकर मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि नहीं भैया धर्मांतरण बंद करो, कानून बनाएंगे इसके खिलाफ। जनता सब देख रही है, जनता मूर्ख नहीं है। ड्रामा का भी एक लिमिट होता है। अधिकारी वहां से धर्मांतरण की क्लास चलाएंगे, प्रिंसिपल साहब मुख्यमंत्री जी वहां बैठकर कहेंगे हम कानून बनाएंगे, ये सब क्या है? सब ड्रामा है, जनता देख रही है। जनता को मुबारक, आपके मुख्यमंत्री भी मुबारक, आपके अधिकारी भी मुबारक। हम तो बस इतना कहेंगे कि तस्वीरें विचलित करने वाली है, ये तस्वीरें परेशान करने वाली है। अगर आपको परेशान नहीं करती तो आप एक काम करिए, आराम से सत्ता की चादर ओढ़कर मस्ती की नींद में कहिए सब चंगा। शुक्रिया, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।